नमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं हिंदुओं, हिंदू गोली से, पुलिस की गोली लगी है कि मुस्लिमों की गोली लगी है, और उल्टे कह रहे हैं कि क्या तीसरी शक्ति लगी है। सुरक्षा, हिंदू अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कल रात में भी घटना घटी, पुलिस नाम की चीज नहीं। आखिर मुख्यमंत्री जी, आप कह दे कि आप केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं, आप कह दे कि हिंदू नालंदा छोड़ दे केवल वोट लेने के लिए, कि मेरा कॉम्बिनेशन का अब सीट है, मैंने सातों सीट ले लिया, लेकिन वहां आपको भी वोट देने वाले लोग हिंदू भी हैं। ससराम में रात में भी ब्लास्ट हुआ है, आखिर पुलिस क्या कर रही है? एक तरफ तो पुलिस झूठ बोल रही, अधिकारी कह रहे हैं कि ससराम में एक संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची नालंदा में तो 200% सोची समझी। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था, तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सासाराम में अधिकारियों ने कहा कि हमसे कोई संपर्क ही नहीं किया गया, हमने तो परमिशन दिया था, तैयारी भी मेरी पूरी थी। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने आकाबुआ को खुश करने के लिए उनके बिना आदेश का 144 धारा लगा था क्या? नहीं, 144 तो मामूल नहीं लगा ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, नालंदा में जो 3 लोगों को गोली लगी थी, उनमें से एक की मौत हो गई है। 2 की मौत हो चुकी है अब तक नालंदा में, जैसा कि मुझे बताया। सर मुख्यमंत्री राजचंद्र नाम का एक युवक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा कि हम लोग कोई भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, सुरक्षा देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वह रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।